भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश में बहुत लोकप्रिय और बड़े नेता हैं। उनका आज ही एक बड़ा बयान आया है कि प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में केवल और केवल सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देकर उनसे चुनाव लड़वाएंगे। नेताओं को इशारा समझ जाना चाहिए, नेता क्या कहना चाहते हैं। इस बार किसी की चापलूसी करके टिकट नहीं मिलने वाला, ये शब्द पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए कहे। गौरतलब रहे कि डॉक्टर राजन सुशांत भाजपा से लगभग 5.5 वर्ष से बागी चल रहे थे। 5.5 वर्षों बाद उनकी फिर से भाजपा में वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार सब भूल जाएं, इस बार चमचागिरी करके टिकट नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगी वो भी सर्वे के आधार पर, मोदी व अमित शाह के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। पिछली बार चुनाव में हार का कारण टिकट आवंटन रहा है, मगर इस बार ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। उन्होंने पत्रकारों और सीआईडी से अनुरोध करते हुए कहा कि मेहरबानी कर मेरा पक्ष मत लेना, लेकिन कम से कम इस जनता का फोटो जरूर ऊपर भेज देना। उन्होंने कहा कि इतनी बेईमानी उनके साथ मत करना। उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि उनके साथ साथ लोग इकट्ठा नहीं होते। बच्चों को इकट्ठा कर 15 से 20 लोग इकट्ठा कर उनकी सीट, उनकी फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने का नुकसान मुझे भी हुआ और मैं भटक गया था और अब घर वापस आ गया हूँ। टिकट का क्या, टिकट तो जनता दिलवाएगी और जिसके साथ जनता का समर्थन होगा उसी को पार्टी टिकट देगी। उन्होंने कहा कि कुछ गलत फहमियां हो गई थी जो आपस में मिल बैठ कर दूर कर ली गई हैं। उनका आज भी स्टेटमेंट आया है केवल और केवल जीताओ उम्मीदवारों को ही लड़ाएंगे इलेक्शन के अंदर। अरे नेताओं का इशारा समझ आना चाहिए, नेता क्या कहना चाहते हैं। इस बार किसी की चापलूसी करके टिकट नहीं मिलने वाला। अमित शाह जी सर्वे करवा रहे हैं, अगर साफ का है सर्वे की रिपोर्ट में जिसको इलाके की जनता जीतने वाला कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी उसी को बीजेपी टिकट देगी। आज हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, सीआईडी के लोग यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, मैं पानी करके मेरा पक्ष मत लेना, लेकिन कम से कम ये जनता का फोटो जरूर ऊपर भेज देना। इतनी बेईमानी मत मेरे साथ करना। बहुत से लोग कहते हैं 7 लोग इकट्ठे नहीं होते, बच्चे बुच्चे कटे कहते 15-20 कटे कहते लेव व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं। अशोक कहते हम बड़े लोकप्रिय हैं, मेहरबानी करके विराट समूह का जनता का है इसका फोटो आज भेज दीजिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। भाई और बहनों, इस बार पार्टी ने फैसला किया है जनता की अपील के ऊपर, जनता की सिफारिश को टिकट मिलेगा।